तिरंगा रंग की संताली साड़ी पहनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी सादगी के साथ शपथ ग्रहण की। संताली साड़ी हैंडलूम यानी हाथ से बनी साड़ी होती है। इसे सफेद रंग के कपड़े पर रंगीन धागों से बनाया जाता है। इस साड़ी के छोर पर धारियों का काम किया जाता है। आदिवासी महिलाएं इसे खास मौके पर पहनती हैं। संताली साड़ी लंबी और एक समान धारियों वाली होती है। इनके बॉर्डर पर एक जैसे डिजाइन बनाई जाती है। परंपरागत संताली साड़ी पर तीन धनुष के डिजाइन होते हैं जो महिला आजादी का प्रतीक होते हैं। हालांकि अब मोर, फूल और बतख के डिजाइन की साड़ियां भी मिलने लगी है। ट्रेडिशनल संताली साड़ी पहले झारखंड के संताल परगना तक ही सीमित थी, लेकिन अब झारखंड और उसके पड़ोसी राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में खास तौर से प्रचलित है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इस साड़ी की मांग बढ़ रही है। संताली साड़ी को आदिवासी और अन्य जातियों के त्योहार पर पहना जाता है। महिलाएं बाहा, सोहराए, सरहुल और कर्मा जैसे खास पर्व पर इस साड़ी को पहनती है। संताली साड़ी को बुनकर अपने हाथों से बनाकर तैयार करते हैं। यही वजह है कि ये साड़ी थोड़ी महंगी होती है। हैंडलूम संताली साड़ियों की कीमत करीब 5,000 से शुरू होती है। आदिवासी महिलाएं पहले इस साड़ी को लुंगी और ओढ़नी की तरह पहनती थी, लेकिन समय और फैशन बदलने के साथ ही साड़ी पहनने का अंदाज भी बदल गया है।